जी हां, स्वागत है आपका। शुद्धि क्रियाएं, जी हां, शुद्धि क्रियाओं का अर्थ क्या है? शुद्ध करने वाली क्रियाएं, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनको करने से व्यक्ति अपने शरीर के अंदरूनी अंगों को स्वयं ही पूर्ण रूप से सफाई कर ले तथा विभिन्न रोगों से अपने आप को बचा सके, इसको कहते हैं शुद्धि क्रिया। अब बात कर लेते हैं शुद्धि क्रियाओं को योगिक षटकर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शुद्धि क्रियाओं के प्रकार, शुद्धि क्रियाएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक है नेत क्रिया। नेत क्रिया भी दो प्रकार की होती है, ठीक। नंबर एक है जल नेत, जी हां, नंबर एक है जल नेत। जल नेत के लिए एक टोटी वाले लोटे का प्रयोग किया जाता है। लोटे में थोड़ा सा नमक मिला हल्का गुनगुना शुद्ध पानी डाल दिया जाता है। सिर को बाएं तरफ झुकाकर लोटे की टोटी दाएं नाक छिद्र में डालते हैं, मुंह खोलकर रखते हैं ताकि सांस मुंह से ली जा सके। जी हां, इस क्रिया में पानी दाएं नाक के छिद्र से निकलता है। इस क्रिया को 1 या 1.5 मिनट तक करते हैं। यह क्रिया बाद में बाएं नाक के छिद्र से दोहराते हैं। दोनों छिद्रों में से पानी निकाल देने के बाद नाक में शेष बचे पानी अवशिष्ट पदार्थ को 15 से 20 छींक कर बाहर निकालते हैं। छींक की यह क्रिया जल नेत करने के पश्चात करनी चाहिए। इसके अलावा जल नेत करते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ठीक है। नंबर एक, क्रिया करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जल नेत के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त व उपयोगी समझा जाता है। इसके अलावा दिन में नेत का एक ही बार प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जुकाम या नाक बंद होने की स्थिति में इसे 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जल नेत करने के समय आंखों में पानी और नाक में जलन हो सकती है। तो ये थी जल नेत करते समय सावधानियां। अब बात कर लेते हैं जल नेत से लाभ क्या क्या है। इससे बुद्धि का विकास होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, नसिका तंतु मजबूत बनते हैं और अनिद्रा रोग से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा मस्तिष्क संबंधी रोग भी ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सूत्र नेत की, यानी शुद्धि क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक जल नेत और दूसरा है सूत्र नेत। नेती को नाक में डालकर धीरे धीरे नेती को मुंह के रास्ते निकालने की क्रिया को सूत्र नेति कहते हैं। ऐसा करने से लाभ क्या है? आंखों में मोतियाबिंद नामक रोग नहीं होता है। कफ को दूर कर कपाल को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है। नेति से फेफड़ों में जमा कफ भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा मस्तिष्क की हड्डी स्वस्थ और मजबूत हो जाती है। तो ये थे योगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।